हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं राजमा, वो भी पंजाबी स्टाइल में। जैसे पंजाब में बनाए जाते हैं वैसे ही राजमा बनाने वाले हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक कप चावल लिए हैं, इसको पहले धो लेंगे। दो पानी से हम अच्छे से पानी डाल के धो लेंगे। इसको पानी डाल के इसको भिगो देंगे। आधा घंटा हो गया, चावल फूल गए हमारे अच्छे से। अब हम इसके जीरा राइस बनाएंगे। जीरा राइस बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे घी। 2 चम्मच हम घी डालेंगे। इसमें आधा चम्मच डालेंगे जीरा, 1 छोटा चम्मच हींग। हमारा जीरा चटक गया अच्छे से। जितना हमने चावल लिया उसका दुगना पानी डालना है। एक कप चावल लिया तो 2 कप हम पानी डालेंगे। डालेंगे आधा चम्मच नमक। अब इसको ढक के इसको उबलने देते हैं। अभी देखिए पानी उबल गया है। ये चावल का पानी हमने गिरा दिया। अब हम ये चावल डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको सिम पे इसको होने देंगे जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता। जब पानी सूख जाएगा तो चावल भी हमारे हो जाएंगे। अपने चावल देख लेते हैं। ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, एकदम तैयार हो गए हैं चावल। आप इसको चेक कर सकते हैं। ये चावल आप ऐसे करके देख सकते हैं। अगर ये मैश हो रहा है तो चावल आपका रेडी है बिल्कुल। ये हमने राजमा लिए, ये 2 कटोरी हमने राजमा अच्छे से धो के 2 बार पानी में और रात के लिए भिगो देंगे। रात भर के लिए, सुबह हम इसको उबालने रखेंगे। राजमा भीग गए हैं, अब इसको हम डाल देंगे। चार कप के करीब हम पानी डाल देंगे इसके अंदर। 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी। इसको उबाल लेंगे हम। ये हमारे राजमा हो गए हैं। हमने 5 विसल लगवाई थी तेज पे और 5 से 7 मिनट के लिए हमने सिम पे इसको सिझाया उबाला था। तो ये देखिए राजमा को आप ऐसे दबाएंगे बिल्कुल हो गए हैं, ऐसे देख सकते हैं। इसका मतलब राजमा हो गए हैं। अगर ये दबे ऐसे दबे नहीं, सख्त लगे तो आप इसको फिर से राजमा को चढ़ा दीजिए और दोबारा बॉयल कीजिए। तो राजमा एकदम तैयार है हमारे। इसमें से हम थोड़े से राजमा हम इसमें से निकाल लेंगे और इस राजमा को हम ग्राइंड कर लेंगे। बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और उसका क्या करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये हमने प्याज चॉप कर लिए, 1 कप हमने प्याज लिए। ये 2 बड़े प्याज हमने चॉप किए। 5 हमने टमाटर लिए, 2 हरी मिर्च लिए और 1 अदरक का टुकड़ा। इसकी हम प्यूरी बना लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हम ऑयल के अंदर डालेंगे। खड़े मसाले 1 तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 2 लाल मिर्च। थोड़ा सा हम तोते कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/6 चम्मच हींग। ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप प्याज चॉप किया हुआ। ट्रांसपेरेंट होने तक इसको हम तोते कर लेंगे अच्छे से। मीडियम आंच पे ही करेंगे हम। ये देखिए प्याज हो गए हैं हमारे। अब इसमें डालेंगे मसाला। डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर को मिक्स कर लेंगे। हम नमक ऑलरेडी डाल चुके हैं राजमा में। नमक आप टेस्ट करके अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो। मसाला भुन गया हमारा। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। पानी ऑलमोस्ट सूख गया, ये तेल छोड़ गया अपना। पहले आप प्याज में डालेंगे तो ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनती है, इसलिए हमने पहले मसाले डाले। ये अच्छे से तेल छोड़ दिया इसने। अब हमने जो प्यूरी बनाई थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको होने देते हैं हम, जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ती तब तक हम इस ग्रेवी को होने देते हैं। ये देखिए पूरा ऑयल छोड़ दिया, ग्रेवी एकदम हमारी रेडी हो गई है। पहले हम इसमें डालेंगे राजमा, हमने इसमें निकाल लिए, हम इसके अंदर डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं। हमारा राजमा का पानी हमारे पास है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमें रसा चाहिए इसके लिए, चावलों के साथ खाने के लिए। इमली भिगो के हमने इमली का पानी बनाया। ये मेन इंग्रेडिएंट है राजमा में, बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसको मिक्स कर, राजमा हमारे सीज गए हैं अच्छे से। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और लास्ट में डालेंगे 2 चम्मच घी, क्योंकि घी के बिना पंजाबी खाना बिल्कुल भी पूरा नहीं होता।
घी से ही टेस्ट अच्छा आएगा इसका, और भी बढ़िया टेस्ट इनहेंस हो जाएगा। अब हम इसको सीजने देंगे, एक उबाली दिलाएंगे, फिर हम इसको बंद कर देंगे। डालेंगे अदरक की जूलियन हमने बना के रखी है, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसमें डालेंगे धनिया। राजमा हमारे बिल्कुल तैयार है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। हमारे राजमा बनकर तैयार हैं, एकदम पंजाबी स्टाइल में बहुत ही स्वादिष्ट राजमा बने हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया कंटेंट डालें तो सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।